नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पेज पे। आज हम जानेंगे LICAAO 590 पद की जो वैकेंसी है उसको आवेदन कैसे करते हैं। पूरी जानकारी दोस्तों हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान दें, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम लास्ट में डॉट कॉम जरूर देखिए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी वेबसाइटें आ गई हैं जो ट्रस्टेबल नहीं है, सब अनट्रस्टेबल है। इसलिए आपको जब भी खोलना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम खोलना है, या फिर आप दूसरी नंबर वन वेबसाइट रोजगार रिजल्ट डॉट कॉम को भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही वेबसाइट बहुत ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है, सारे लिंक सारे कंटेंट सब कुछ सही रहते हैं। चलिए दोस्तों सीधा हम आते हैं फॉर्म पे। लेटेस्ट जॉब सेक्शन में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा LICAAO 2019 ऑनलाइन फॉर्म। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे लास्ट डेट इसकी 22 मार्च है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC 600, SC ST PH की 100 रुपये है। एज लिमिट इसकी 21 से 30 साल है। एज लिमिट जो कैलकुलेट होगी वो 1 मार्च 2019 से होगी। चलिए दोस्तों ये देखिए, जर्नलिस्ट की जो है इसमें 350 पोस्ट है। EWS भी कोटा इस बार शामिल किया गया, ये एलिजिबिलिटी है। दोस्तों आपको एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फॉर्म भरे उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी डाउट आपका जो है बैलेंस ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों सीधा हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसको कर देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फिर से आपको अपना नाम डालना है। मिडिल नेम अगर आपका कुछ हो, एग्जाम्पल जैसे कुमार है तो आप कुमार डाल सकते हैं, लास्ट नेम अगर कुछ है तो डाल सकते हैं। ये तो तीनों नाम डालने के बाद यहाँ देखिए आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर अगेन मोबाइल नंबर डालना है, या अल्टरनेटिव कोई नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया। इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि ये दोनों आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी मैसेज के थ्रू पहुंचता है, लेकिन किसी वजह से अगर मैसेज नहीं आता तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ आपको फोटो लगानी है, यहाँ आपको सिग्नेचर लगाना है। फोटो लगानी गाइडलाइन ये दी है, सिग्नेचर लगानी गाइडलाइन ये दी है। सिग्नेचर आपका कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, फोटो आपकी क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों लगाते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए फोटो सिग्नेचर लग चुका है, फोटो हमारी 20 से 50 KB और सिग्नेचर हमारा 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ से प्रीव्यू देखने लग गया, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। दोस्तों ये देखें यहाँ पे आप पूछ रहा है पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कैटेगरी डालनी है। देखिए EWS का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें EWS का ऑप्शन आप भी डाल सकते हैं अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं। मैं जनरल हूँ, जनरल डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए हैंडीकैप का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप 40% ऊपर हैंडीकैप है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। चलिए दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे ऑप्शन है माइनॉरिटी का, अगर आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हो तो माइनॉरिटी में आप डाल सकते हैं, नहीं रखते तो कोई मतलब नहीं। अगला ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन का, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालिए। अगला ऑप्शन है LIC इम्प्लाई का, क्या आप LIC की इम्प्लाई अगर है तो आपको पूरा डिटेल देना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। चलिए दोस्तों नीचे आते हैं, नेक्स्ट आपको डालना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों मैंने अपनी डाल दी, डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आपको उधर दिखाई दिया होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको डालना है जेंडर अपना, नेक्स्ट आपको डालना है मैरिड अनमैरिड, नेक्स्ट आपको डालना है अपने फादर का नाम, नेक्स्ट डालना है मदर नेम। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका एड्रेस का, एड्रेस आपको डालना है जो भी आपका एड्रेस हो। दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा करेस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, कुछ चेंजेस है तो आप दोबारा भी उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा दोस्तों जो आपको बिलिंग मिलेगी इसकी GST इनवॉइस, वो आपको परमानेंट एड्रेस में चाहिए कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों अलग अलग दे रहे हो तो आप उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट करके चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ जो कुछ एरर रह जाएगी यहाँ पर शो करेगा, और जहाँ पे भी एरर रहेगी यहाँ देखिए आपका दे रहा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखिए जैसे छूट गया। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपने UP सिलेक्ट किया, एग्जाम सेंटर मैंने आगरा ले लिया, मेंस का मैंने सेंटर स्टेट UP सिलेक्ट किया, जो भी ऑप्शन है मैंने लखनऊ ले लिया। उसके बाद दोबारा वैलिडेट करके देखिए फिर कुछ गलती रह गई है, क्या गलती रह गई यहाँ देख सकते हैं, बिलोंग आप कहाँ से करते हैं, हिंदू है सर। तो उससे सर आप वैलिडेट करके जरूर चेक कर लीजिए, पेज में कुछ भी गलती रह जाएगी देखिए आ गया सक्सेसफुल आ गया ये देखिए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आएगा ग्रेजुएशन का डिटेल। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री डालनी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या अदर, जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिग्री का अपना पासिंग डेट डालना है जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हो, यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डालना है, यहाँ आपको डिवीजन डालनी है।
नेक्स्ट में दोस्तों अगर पीजी है तो डाल सकते हैं, प्रोफेशनल कुछ है तो डाल सकते हैं, अदर कुछ है तो डाल सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आपका एक्सपीरियंस का पूछा, कहीं आप इम्प्लाई वगैरह हो तो कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन आप देख सकते हैं लैंग्वेज रूम का पूछ रहा है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, इस पर आपको टिक कर देना है, फिर से आपको वैलिडेट करके चेक करना है, देखिए वैलिडेट पर सही है। अब आपको दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देखिए आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी फोटो पे कंफर्म करना है। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे जाना है, पूरा डिटेल को चेक कर लीजिए, कोई भी अगर आपको करेक्शन हो तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए नीचे भी आपको पूरा डिटेल्स, पूरा ऊपर से नीचे डिटेल्स चेक कर लीजिए, यहाँ एग्री पे क्लिक करना है या सिग्नेचर को वेरीफाई करें, अगर कुछ गलती है तो बैक कीजिए, कोई गलती नहीं हो तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको अपना थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान लगाना है, उसके बाद हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन, हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन का आप डिक्लेरेशन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हैंड रिटर्न में दिया हुआ है, कंटेंट एज पर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में केवल होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए, शुड बी एप्लीकेबल नॉट एनी अदर, आपको अपने हाथ से लिखना है, किसी और के हाथ से नहीं लिखवाना है, साइज इसका 800 से 400 के भी होना चाहिए, फाइल साइज इसका ये होना चाहिए, इसको आपको क्लिक करके यहाँ लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर सीधा पेमेंट ऑप्शन खुल जाए, मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसको अपलोड करने के बाद देखिए पेमेंट ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पे बटन दबा देना है। दोस्तों देखिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, मैं डेबिट कार्ड से करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस तरह आपका पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना ओटीपी या 3D सिक्योर पिन डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ाएंगे देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, अब आपको दोबारा या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या तो आपको दोबारा sarkarrezult.com या rozgarrezult.com पे पेज पे जाके लॉगिन पे क्लिक करना है और जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको स्टार्टिंग मिला था उसको डाल के अपना ई रिसिप्ट और प्रिंट आउट जो है डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमें जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए।